खबर है करनाल से, जहां पर कि जिला कष्ट निवारण समिति की अहम बैठक का आयोजन किया जाना है और इस बैठक के दौरान कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं। करनाल से है बड़ी और अहम खबर। आपको बता दें, जिला कष्ट निवारण समिति की ये बैठक है। इस बैठक को कई मायनों में अहम करार दिया जा रहा है। जिला कष्ट निवारण समिति की अहम बैठक होगी करनाल में और इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शिरकत करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता भी कंवरपाल गुर्जर ही कर रहे हैं। पंचायत भवन में इस बैठक का आयोजन होना है। इस बैठक को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक है। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन होना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो इस बैठक में चर्चा का विषय रह सकते हैं। पंचायत भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, करनाल से है। जिला कष्ट निवारण समिति की अहम बैठक है और इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। और इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की विस्तार से चर्चा की जा सकती है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर की चर्चा संभव है। पंचायत भवन में ये बैठक होगी। बैठक को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की अहम बैठक है। शिक्षा मंत्री शिरकत कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। इस बैठक को कई मायनों में अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में काफी समय से चर्चा होनी थी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग। लाइव रुक करते हैं हिमांशु का। हिमांशु, खबर सामने आई है अहम, इस बैठक को कई मायनों में माना भी जा रहा है। शिक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां देखते हैं, क्या माहौल देखते हैं, कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा में रह भी सकते हैं? जी बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए कष्ट निवारण समिति की बैठक की, तो हर महीने ये बैठक होती है और आज करनाल के पंचायत भवन में ये बैठक हो रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी शिकायतों को लेकर कि किस तरह से काम होना चाहिए गलियों के अंदर, जो वार्ड है उनके अंदर। लेकिन कई बार विभागों के अंदर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करनाल पहुंच चुके हैं, अभी रेस्ट हाउस गए हैं। तकरीबन 15 मिनट तक वो पंचायत भवन पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो तमाम करनाल के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, वो यहां पर पहुंचेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या उनको है और आज जो वो जो शिक्षा मंत्री आएंगे कंवरपाल गुर्जर, उनके आगे अपनी समस्या रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी आपको होती है और आज क्या आप अपनी शिकायत उनके आगे रखने वाले हैं? मेरा गली का प्रॉब्लम है, मैं ग्राम पंचायत फफड़ाना, मेरा आसन जो है हल्का है और तकरीबन मेरा 8 महीने के आसपास जो है गली का वो डिस्प्यूट चल रहा है आपस में ही। सरपंच द्वारा जो है उसमें पत्थर वगैरह तो डाल दिए हैं, लेकिन आपसी मतलब मुझे लगता है कि रंजिश के चलते जो है सरपंच साहब काम नहीं कराना चाहते हैं। तो उसी कम उम्मीद है कि आज यहाँ पर निपटारा हो, क्योंकि मुझे इसलिए जो है उम्मीद है, मैंने अपना सीएम विंडो में डाला था, तुरंत उसका 7 दिन के अंदर अंदर जो है मेरे पास उसका रिप्लाई आया। मुझे बीडीपीओ साहब ने बुलाया, सरपंच साहब को बुलाया, उससे बातचीत की, उन्होंने आश्वासन दिया था, बट 1 महीना हो गया है। लोगों को उम्मीद है कि कष्ट निवारण समिति की जो बैठक होगी उसमें निपटारा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या समस्या है? हमें 3 महीने पहले एक दरखास्त दी थी जी, आप तो चलान नहीं हुआ। 11 महीने पहले हमें पैसे लेने थे पानी के ऊपर, घरेलू पंप से पानी दिया था तो पैसे भी नहीं हमें मिले, तो हमारे दो लड़के को भी धक्का मारा और लड़के को मार पिटाई कर दी। तो उसके बाद में फिर हिमांशु, कई ऐसे लोग हैं जो इस्ट कष्ट निवारण समिति में पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कष्ट निवारण समिति की अहम बैठक है। बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंच रहे हैं, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस मौके पर आसपास की पंचायतों से लोग पहुंचे हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर।